हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज 29 अगस्त है और मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इंडिया में एवरी ईयर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे, और इससे पहले मैं वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पर भी वीडियो कवर कर चुका, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मेजर ध्यानचंद पर फोकस रखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं डाटा वेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में हुआ था और एक कुशवाहा फैमिली में। तो इनका जन्म एक कुशवाहा फैमिली में प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 में हुआ था। देन सेकेंड पॉइंट इससे रिलेटेड है, मेजर ध्यानचंद एक इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे, जिन्हें व्यापक रूप से हिस्ट्री में सबसे महान फील्ड हॉकी प्लेयर में से एक माना जाता है। तो इन्हें व्यापक रूप से हिस्ट्री में सबसे महान फील्ड हॉकी प्लेयर में से एक माना जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और इंडिया इनके लीडरशिप में 1926, 1932 एंड 1936 में 3 ओलंपिक हॉकी मेडल जीता था। तो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? तो आपका आंसर होगा 1928। तो ये ऑर्गेनाइज किया था एम्स्टरडेम में, जो नीदरलैंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इंडिया फर्स्ट टाइम इंडियन मेंस हॉकी गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट है, ध्यानचंद अपने शानदार बॉल कंट्रोल के लिए द विजार्ड या द मैजिशियन हॉकी के नाम से भी जान जाते हैं। तो ये अपने शानदार बॉल कंट्रोल के लिए द विजार्ड या हॉकी के जादूगर के रूप में भी जान जाते हैं। और ध्यानचंद 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले थे, ये 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले थे। और अपने ऑटोबायोग्राफिक गोल के अनुसार ये 185 मैच में 570 गोल किए हुए थे। तो अपनी ऑटोबायोग्राफिक गोल के अनुसार ये 185 मैच में 570 गोल किए हुए थे, और पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरियर के उदाहरण लिए 1000 गोल किए हुए थे। तो पूरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरियर के उदाहरण लिए 1000 गोल किए हुए थे। देन नेक्स्ट इससे संबंधित है, मेजर ध्यानचंद को भारत का थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। इंडिया का थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड 1956 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया 2021 में। जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो 2021 में इसे नाम बदल दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ओनर अवार्ड है। तो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो एक चेस प्लेयर थे। तो ये अवार्ड इनको 1991 में दिया गया था। तो ये अवार्ड जब स्थापना हुआ था तो इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था, लेकिन 2021 में इसे नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट इससे संबंधित है, इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली में हो गया था, और इनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इंडिया में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इंडिया में एवरी ईयर हम नेशनल स्पोर्ट डे ऑब्जर्व करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम 2012 में फर्स्ट टाइम नेशनल स्पोर्ट डे ऑब्जर्व किए थे। देन इसके बाद ये एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे। तो इस वीडियो में हम मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।